मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, चुनाव अभी तय नहीं हुआ था, 2013 में शायद मेरा एक भाषण है, मेरी पार्टी का एक कार्यक्रम था, और उसमें मैंने कहा था कि मैं भारत के भविष्य को कैसे देखता हूं। उस समय मैंने कहा था कि अगर भारत का संतुलित विकास नहीं होता है तो शायद हम हमारे पोटेंशियल का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मान करके चलता हूं उस समय से कि जैसे भारत का पश्चिमी भाग, अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा लेकर के बीच में एक रेखा बनाते हैं तो पश्चिम में आपको इन दिनों प्रगति समृद्धि सब नजर आएगा, आर्थिक गतिविधि नजर आएगी नीचे से लेकर के ऊपर तक, लेकिन पूरब में जहां इतने प्राकृतिक संसाधन है, जहां इतने क्रिएटिव माइंड है, अद्भुत ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास पूरब में, चाहे उड़िया हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य की पूंजी पड़ी है। अकेला ये इलाका ही डेवलप हो जाए ना, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता है जी, इतनी ताकत पड़ी। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले 6 साल का कोई एनालिसिस करे तो पूर्वी भारत के विकास के लिए, और विकास में सबसे बड़ा इनिशिएटिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबसे ज्यादा बल दिया गया है पूर्वी भारत पर, ताकि देश एक संतुलित पूरब और पश्चिम में करीब करीब 19-20 का फर्क तो मैं प्राकृतिक कारणों से समझ सकता हूं। और हम देखें कि भारत का स्वर्णिम युग तब था जब भारत का पूरब भारत का नेतृत्व करता था, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, इवन कोलकाता, ये भारत का नेतृत्व करने वाले केंद्र बिंदु थे। और उस समय भारत का स्वर्णिम काल मतलब कि यहां एक अद्भुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है, हमें इस सामर्थ्य को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिर से भारत को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। साथियों, उत्कल मणि गोपबंधु दास जी ने लिखा है, जगत सर से भारत कनल ताम मधे पुण्य नीलांचल। आज जब देश आजादी के 75 सालों के शुभ अवसर के लिए तैयार हो रहा है तो हमें इस भाव को, इस संकल्प को फिर से साकार करना है। और मैंने तो देखा है कि शायद, मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोलकाता के बाद किसी एक शहर में उड़िया लोग ज्यादा रहते होंगे तो शायद सूरत में रहते हैं। और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक संपर्क भी रहता है। ऐसा सरल जीवन, कम से कम साधन और व्यवस्थाओं से मस्ती भरी जिंदगी जीना है, मैंने बहुत निकट से देखा है जी, ये अपने आप में, और कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके खाते में नहीं है, इतने शांतिप्रिय। अब जब मैं पूर्वी भारत की बात करता हूं, आज देश में मुंबई उसकी चर्चा होती है, आजादी के पहले कराची की चर्चा होती थी, लाहौर की चर्चा होती थी, धीरे धीरे करके बैंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, चेन्नई की होने लगी, और कोलकाता जैसे पूरे हिंदुस्तान की प्रगति और विकास और अर्थव्यवस्था में बहुत याद करके कोई लिखता है, जबकि वाइब्रेंट कोलकाता, एक फ्यूचर को लेकर के सोचने वाला कोलकाता, पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी भारत, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत को प्रगति के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व दे सकता है। और हमारी कोशिश है कि कोलकाता फिर से एक बार वाइब्रेंट बने, एक प्रकार से पूर्वी भारत के विकास के लिए
कोलकाता एक शक्ति बनकर के उभरे और इस पूरे मैप को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ देश का ही भला ये सारे निर्णयों को ताकत देता है।